कटनी जिले की छपरा ग्राम पंचायत में भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर पंचायत के सरकारी भवन में भाजपा का ध्वज फहरा दिया गया। भाजपा के कुछ नेताओं ने सरपंच पति की मौजूदगी में न सिर्फ ध्वज फहराया बल्कि यहां तस्वीरें भी खिंचाई। अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। भाजपा का ध्वज सरकारी भवन में फहराए जाने को लेकर कांग्रेस ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। गौरतलब है कि बीते रोज भाजपा का स्थापना दिवस था, ऐसे मौके पर छपरा ग्राम पंचायत की महिला सरपंच के पति और स्थानीय भाजपा नेताओं ने छपरा के पंचायत भवन में ही भाजपा का झंडा फहरा दिया। कांग्रेस का कहना है कि संवैधानिक रूप से न सिर्फ ये गलत है बल्कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भी है, ऐसे में झंडा फहराने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष लाल कमल बंसल भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने इस पर गहरी आपत्ति की है और कहा है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत छपरा, जो कि तहसील बोरीवन जिला कटनी में आता है, जिसकी विधानसभा भी बोरीवन है, ग्राम पंचायत छपरा में आज ध्वजारोहण की जगह पर भाजपा के ध्वज का रोहण किया गया, जो कि संवैधानिक रूप से गलत है। संविधान के हिसाब से आज जो ध्वजारोहण होना था वो राष्ट्रीय ध्वज का होना था, लेकिन छपरा में सरपंच पति के द्वारा, वो भी सरपंच नहीं सरपंच पति के द्वारा ध्वजारोहण किया गया है, जो कि अनैतिक है। इसका विरोध, यह एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। इसका विरोध आज कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के समस्त लोग, जो कि बोरीवन विधानसभा कटनी जिले में है, इसका विरोध करते हैं और कलेक्टर महोदय से और अधिकारियों से मांग करते हैं कि इस गलती के खिलाफ छपरा सरपंच पति और वहाँ पर जो भी जवाबदार लोग हैं, जिनका दायित्व बनता है, उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो इसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द एक बृहद आंदोलन करने के लिए मजबूर हूँ। आप आज सोशल मीडिया के माध्यम से विदित हुआ मुझे कि भाजपा के स्थापना दिवस छपरा ग्राम पंचायत में, अच्छी बात है, छपरा ग्राम पंचायत में मनाएं, कलेक्ट्रेट में मनाएं, संसद भवन में मनाएं, विधानसभा में, हर जगह मनाएं, पर जो सरपंच पति हैं, सरपंच की जो महिला हैं, वो सरपंच पति वहाँ पर आकर और भाजपा का झंडा, राष्ट्रीय ध्वज की जगह पर भाजपा का झंडा फहराया गया, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत जो संविधान के दायरे में रहकर जनप्रतिनिधि, सरपंच, सचिव इस प्रकार नियम कानून तोड़ने लगेंगे तो देखा सी कि सब लोग फिर तोड़ेंगे, तो हम ब्लॉक कांग्रेस सिमलाबाद के द्वारा इसकी घोर निंदा करते हैं। इस प्रकार के कृत्य संज्ञान में आए और इस प्रकार की हिटलरशाही बर्दाश्त नहीं होगी, इन्हें इस प्रकार के कृत्यों से निंदा करते हैं। इसके पूर्व भी ये राष्ट्रपिता का अपमान कर चुके हैं, जो आप लोगों के द्वारा संज्ञान में आया था, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की।